जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, GK से संबंधित है। इस ये जो सामान्य ज्ञान का आज का विषय है, इसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चिन्ह जो हैं और उन चिन्हों का मतलब क्या होता है, और उन या यूँ कहें कि उन वो जो चिन्ह हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं, उनका प्रतीक क्या है, उस संबंध में बात करेंगे। ठीक, तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम में जनरली तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन जब बात सामान्य ज्ञान की आती है तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत महसूस होती है कि ये सब आपको जानना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कभी कोई पूछ बैठे, तब आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और पेपर में जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूछे भी नहीं जा सकते। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में कोई बड़ा एग्ज़ाम ना हुआ, कोई छोटा एग्ज़ाम हो गया, ठीक, या आपके स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम हो गया, या कंपटीशन एग्ज़ाम में एक नंबर का मान लो पूछ ही लिया, तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमल की। तो कमल जो होता है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लाल झंडा होता है ना, तो लाल झंडा क्या होता है, क्रांति या खतरे का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। तो ये लाल झंडे की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीले झंडे की। तो जो पीला झंडा होता है वो क्या होता है, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर जो झंडा लगा होता है वो पीले रंग का झंडा होता है। ठीक, मतलब अगर कोई वाहन है जो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जा रही है तो वहाँ पे पीला झंडा लगेगा। इसके बाद हम झुके हुए झंडे की बात करें, तो जो झुका हुआ झंडा होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ठीक, झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ऐसे ही लाल त्रिकोण, आपको जो चित्र में दिख रहा है लाल त्रिकोण, ये परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। इसके बाद लाल प्रकाश या रेड लाइट, ठीक, ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी ना रेड लाइट, तो वही जो रेड लाइट होती है वो क्या होता है, खतरे का भी प्रतीक होता है। ठीक, साथ ही साथ यातायात को रोकने का भी प्रतीक होता है। किसका, यातायात को रोकने का भी प्रतीक होता है। इसके बाद बात करें, अगर आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री आपने कहाँ पे देखी होगी, न्यायालय में ज़रूर देखी होगी, तो वो जो होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। ठीक, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी, ठीक, तो ये तो भाई खतरे का निशान हो गया। ये होता है बिजली का खतरा। अक्सर आप लोगों ने जो खंभे होते हैं बिजली वाले या फिर ट्रांसफार्मर के आसपास, ऐसे निशान जो होते हैं इनको ज़रूर देखा होगा या नोटिस किया होगा, तो ज़रूर दिखा होगा। ऐसे ही ऑलिव की शाखा जो होती है वो शांति का प्रतीक होती है। ठीक, कलम की बात करें तो कलम जो होती है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे ही रेड क्रॉस की बात करें तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक होता है। काले झंडे की बात करें तो काला झंडा आपने देखा होगा कि विरोध में दिखाया जाता है, किसी को विरोध जब प्रदर्शित करना होता है तो काला झंडा दिखाते हैं, तो काला झंडा क्या हो गया, विरोध का प्रतीक हो गया। ऐसे ही उल्टा झंडा जो होता है वो संकट का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा जो होता है वो संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। और आपने कबूतर पक्षी देखा होगा, तो कबूतर पक्षी जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ऐसे ही अभी हमने रेड लाइट की बात की थी, अब हम ग्रीन लाइट की बात करते हैं या हरे प्रकाश की बात करते हैं। तो जो हरा प्रकाश होता है वो यातायात को जाने का संकेत देता है। ठीक, और बाँह पर अगर आप काली पट्टी बांधते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप, ये किसका प्रतीक होता है, शोक विरोध और दुख का प्रतीक होता है। ठीक, आपने मैच खेलते समय क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा होगा कि उनके हाथ पे एक ब्लैक कलर की या उनकी बाँह पर काली पट्टी वो लोग बांधे रहते हैं, तो ये शोक विरोध और दुख का प्रतीक होता है। ऐसे ही चक्र जो होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक, तो ये प्रमुख चिन्ह हैं और उनका प्रतीक क्या होता है या उनका मतलब क्या है, उस चीज़ को आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और सिंपल से हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत काम आएंगे। ठीक, तो फिर वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर एक बार कर दिया है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।